पूजा शुरू हो गई थी, कहाँ रह गई थी तू? बस ऐसे ही। ऐसे ही का क्या मतलब होता है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आजकल छुपाने का फैशन चल रहा है तो मैं भी क्यों पीछे हटूं। मोहिनी प्रेग्नेंट है ये सुनकर ना आर्यमन के होश उड़ जाते हैं। अब ये भाई सच है झूठ है ये तो पता नहीं, वैसे तो झूठी होगा क्योंकि यहाँ पर तो वो सिद्धार्थ से शादी करना चाहती है। ये सारी चीजें ना बस वो फंसाने के लिए कर रही है आर्यमन को। हॉस्पिटल से आने के बाद हमारी बात ही नहीं हुई, मुझे लगता है हमें बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। कृष्णा, हमने देखा ही था ना किस तरीके से अपने आप को किडनैप भी करा लेती है, यहाँ सिद्धार्थ गोली भी चला देता है। और सिद्धार्थ गोली तो भाई आर्यमन के ऊपर चला रहा होता है लेकिन यहाँ पर मोहिनी के लग जाती है और भाई आर्यमन बहुत परेशान हो जाता है। जो ईशा के लिए मैंने कंगन बनवाए थे वो कहाँ रखे हैं? ओ जा ले आ बेटा। जी माँ, वो ज्वेलर से लेके आए थे, मैं अभी लेकर आती हूँ। जाता है और तुरंत उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाता है। अब जो डॉक्टर है ना वो गोली तो निकाल देती है लेकिन बोलती है कि भाई बेबी बचा हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही सुनता है बेबी बचा हुआ है तो कमाल है, आजकल जब भी देखते हो मोहिनी आपके साथ ही होती है। ऐसी बात नहीं है, ये इत्तेफाक है दीदी। हाँ बिल्कुल, आजकल इत्तेफाक भी कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बताती है कि मोहिनी प्रेग्नेंट है तो आर्यमन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया और ये कब हो गया, मतलब क्योंकि वो ना उस रात को याद कर लेता है और बार बार उस। अब देखो ना, इत्तेफाक से तुम भी उसी रिसोर्ट में थी जहाँ पे ये थे और फिर इत्तेफाक से ये वहाँ पहुँच गया जहाँ तुम्हें गुंडों ने पकड़ के रखा था। रात को याद करके ना परेशान भी हो रहा होता है और यहाँ पर उसको लगता है कि भाई, और यहाँ पर वो ये सोच रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी ना हो, यहाँ पर इसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा हो। और इतने में ना कृष्णा उसको मिल जाती है। कृष्णा भी और इत्तेफाक से मैं भी उसी हॉस्पिटल में जा पहुँची जहाँ ये तुम्हें चेकअप के लिए लेकर गए थे, है ना? उसी हॉस्पिटल में आई होती है अपने कजिन वगैरह के साथ और पता लगता है कि आर्यमन और मोहिनी भी साथ में। अब पहले तो कृष्णा ये पूछती है कि मोहिनी यहाँ पर क्या कर रही है उसके। तो ये इत्तेफाक तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जैसे आप बाद उसका ये क्वेश्चन होता है कि आर्यमन तुम साथ में क्या कर रहे हो, मोहिनी तो घर छोड़ के चली गई थी ना और ये तो गायब हो गई थी, अचानक से कैसे आ गई और कैसे मिली? पहले कभी ज्वेलरी लाते थे तो मुझे देते थे, मैं लॉकर में रखती थी, पर आज ईशा के लिए लाए गए कंगन आपने खुद ही लॉकर में रख दिया। यहाँ पर मोहिनी बोल देती है कि अरे वो गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था जिसने पहले पकड़ा था और उन्होंने गोली वोली चला दी थी। और यहाँ पर वो बोलती है कि आर्यमन मुझे वहीं से लेकर आ गए थे क्योंकि मैं वहाँ पर गुंडों ने मुझे घेर लिया था और गोली वोली चला दी थी तो यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आए थे। वो ये कहती है प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई तुम और तुम तो किसी के साथ रहती नहीं हो। तो ये सारी चीजें ना कृष्णा के दिमाग में चलने लगती है और वो सोचती है कि जब से ये लड़की आई ना कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है, तो भाई मैं एक काम करती हूँ इसको घर लेके जाती हूँ और पता लगाती हूँ कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है और ये बच्चा किसका है। और यहाँ पर उसको ना धीरे धीरे आर्यमन पर शक भी होने लगता है।